स्मार्ट एक्सेल। अक्सर लोगों को एक्सेल में फॉर्मूलाज की बहुत परेशानी होती है समझने के लिए, और फॉर्मूलाज को जानने के लिए इसका लॉजिक ढूंढने में बहुत परेशानी और बहुत दिक्कत होती है। तो मैं भी उन्हीं में से था। तो एक्चुअली फॉर्मूलाज जब हम बनाते हैं तो हम किस तरह से उसको उसका उपयोग कर सकते हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ बेसिक चीज़ एलिमेंट्स होती हैं फार्मूलाज में, जो आज मैं आपको इस वीडियो से दिखाना चाहूँगा। तो नॉर्मल फार्मूलाज में इस तरह होता है कि ट्रू और फॉल्स से शुरू होता है कि अगर ये वैल्यू 100 है और अगर इसको मैं चेक करना है ट्रू या फॉल्स, तो अगर मैं इसको यहाँ डालूँगा 50, इसको चेक कर सकते हैं कि इस इक्वल्स टू दिस, तो अगर जगह फॉल्स है क्योंकि ये सही नहीं है। अगर इसको मैं 100 डाल दूँ फिर ट्रू दिखाएगा क्योंकि सामान्य है। तो इसी तरह से फार्मूलाज की शुरुआत होती है, और तीन बेसिक एलिमेंट्स जो फार्मूलाज में होते हैं वो इस तरह होते हैं कि कहाँ हमें किस तरह से यूज़ करना चाहिए। अगर अक्सर मुझे अगर इधर इफ कंडीशन लिखना है, अगर मैं लिखूंगा कि इक्वल टू इफ, अगर ये वाला सेल अगर 100 है तो मैं कुछ खरीदूंगा विल बाई, तो अगर मैं टेक्स्ट लिखूंगा तो मुझे इसमें डबल कोट्स करना पड़ेंगे। तो ये टेक्स्ट होता तो मैं इसे डबल कोट में, तो ये फॉर्मूला एक्सेल नहीं फरमाएगा और नहीं पहचान पाएगा और उसमें एरर दिखाएगा। तो मुझे लिखना पड़ेगा विल बाई। अगर ये 100 से कम हुआ, एक फॉल्स स्टेटमेंट, एक फॉल्स स्टेटमेंट मुझे लिखूंगा विल नॉट बाई, विल डबल कोट्स करूंगा और मैं बंद कर दूंगा। तो आप उसको टेस्ट कर सकते हैं कि ये यहाँ पे है और ये इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे, लेकिन आपको देखेंगे कि ये पूरी तरह से पूरा नहीं हुआ, इसमें कुछ एरर है, गलती है। तो जब भी आप डबल कोट्स डालेंगे तो दो डबल कोट्स होने चाहिए, इसलिए ये फॉर्मूला जब मैं ट्रू क्लिक करूँगा तो पूरी तरह से यहाँ तक ले रहा है। हालांकि मुझे इसको ट्रू अलग करना है और फॉल्स अलग करना है, तो यहाँ मुझे उसको डबल कोट्स डालने होंगे। जब मैं भी चेक करूंगा तो आपको देखिएगा ये आधा हो चुका है और ये फॉल्स था, आधा हो गया, और इस तरह आप कुछ चेक कर सकते हैं। तो अगर मैं इसको हिट करूंगा तो दिखाएगा 100 है तो विल बाई। अगर इसको मैं एक 101 कर दूंगा दिखाएगा विल नॉट बाई। तो इसको मैंने लिखा है कि इक्वल्स टू 100, अगर 100 हो तो मैं खरीदूंगा, अगर नहीं है तो मैं नहीं खरीद पाऊंगा। अगर इसको आप 1 भी करो या 1 करोड़ भी कर दो तो उसको विल नॉट बाई होगा, जब तक इसको 100 हम इसको बदल ना देते। ठीक है, ये हो गया 100 के लिए। अगर आपको सेम वही चीज़ अगर आपको दिक्कत होती है टाइप करने में इन चीज़ों को, तो आपको ये आपको टाइप करने की ज़रूरत नहीं। इसको कहते हैं सेल रेफरेंस देना। सेल रेफरेंस में तीन तरह के होते हैं, एक होता है एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस और एक होता है रिलेटिव सेल रेफरेंस और होगा मिक्स सेल रेफरेंस, जो मैं आके अगले वीडियोस में आपको बताऊंगा। तो अगर मुझे वो टाइप नहीं करना तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको लिखना पड़ेगा, कॉपी करूंगा इधर और इधर मैं लिख करूंगा पेस्ट, डबल कोट हटाने पड़ेंगे, तो पेस्ट करूंगा और इसको विल नॉट बाई को कॉपी करूंगा और यहाँ पेस्ट कर दूंगा। तो अभी मुझे पता है कि मुझे ये टाइप करना पसंद नहीं है, मुझे ये डबल कोट्स डालना कभी भूल जाता हूँ तो मुझे ये पसंद नहीं। तो उसके लिए एक आसान सा उपाय है, इसको हटा दीजिए आप, फॉर्म दोबारा लिखिए इफ बी एट, अगर ये 100 है तो मुझे विल डबल करने की जरूरत नहीं, मुझे इसको सेल रेफरेंस दूंगा। तो बहुत आसानी से मैं क्या करूँगा, मुझे बता उसको एक्सेप्ट दिखाऊँ कि यहाँ चले जाओ, तो आपको देखा ये वैल्यू ऑफ ट्रू हो गया। अभी मुझे वैल्यू ऑफ फॉल्स करना तो क्या करूँगा, एक कॉमा है, अब इधर देख सकते हैं छोटा सा, आपको दिखेगा अगर छोटा कॉमा है तो उसी तरह हमको उसको स्क्रीन टिप्स को फॉलो करेंगे और उसको कॉमा डालेंगे और बोलेंगे वेल अगर वो फॉल्स है तो यहाँ चले जाओ। और अभी इसी तरह हम इसको डबल इसका सॉरी पैरेंथेसिस ब्रैकेट्स इसको बंद कर देंगे और कर देंगे। तो देख सकते हैं वही फॉर्मूला मैं बिना डबल कोट्स में टेक्स्ट के बिना किस तरह से आसानी से उसको रेफरेंस देके मैंने जान छुड़ा लिया। तो यहाँ आप अगर इसमें आप सेम करेंगे तो उसी तरह वर्क होएगा। अगर इसमें आप 1000 भी लिख देंगे तो अगर आप 100 लिखेंगे तो विल बाई करेंगे। तो इस तरह होता है। तीसरा ऑप्शन होता है आपको सीखने के लिए इक्वल टू, ये होता है लेस देन और ये होता है मोर देन। तो यहाँ आपको टेक्स्ट या सेल रेफरेंस देने की जरूरत नहीं है, जब भी आपको कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं तो
उसको डबल कोट्स की देने की ज़रूरत नहीं है, तो एक्सेल समझ जाएगा कि वो डबल मतलब वो एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो फर्स्ट करो, अब आप मैं लिखूंगा इफ बी इट इज 100, मैं इसको लिखूंगा 100, अगर वो 100, अगर वो बी इट 100 नहीं है तो मैं इसको लगा दूंगा वो शून्य है, तो उसे कोई वैल्यू नहीं है। जैसे कि 100 की जगह 100 आ रहा है, अगर मैंने इसको कुछ भी कम कर दिया तो आपको 0 दिखाएगा। इवन अगर मैं इसमें 1000 भी दूँ तो 0 आएगा, जब तक उसको मैं 100 ना कर दूँ। तो ये बहुत ही वो इसको मैं बयान नहीं कर सकता, इतनी ज़रूरी चीज़ है इस एक्सेल में। अगर फॉर्मूला सीखना है तो ये बहुत ज़रूरी और बहुत लाजमी है लॉजिक को समझना, जो आपको मुस्तकबिल में बहुत आसानी दे सकता है बड़े बड़े फार्मूलाज देखने के लिए। तो मैं यही गुजारिश करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आए और आप सब्सक्राइब करें इस चैनल को, या लाइक करें या कोई कमेंट दे दें, ताकि मैं आगे से और कोई सुधार कर सकूँ। अगर आपको मेरा बोलने का रवैया है या कुछ भी हो, या आपको अगर कुछ भी मालूमात हासिल करनी है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें यार, इस चैनल को लाइक करें और ये ज़रूर किसी को शेयर करें, ताकि काफ़ी दोस्तों भाइयों और को पता चल जाए कि एक्सेल का किस तरह से सही उपयोग कर सकते हैं। तो मैं आपको देखूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शब्बा खैर।